हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी को मेरी वीडियो में दूसरा स्वागत है। पहली दूसरे बार इस वाले स्पीकर के वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैं जैसे बताया था कि इसका मैं टेस्टिंग वीडियो करूँगा, तो इसके लिए मैंने सेटअप तैयार कर लिया है। मैंने इसको बहुत सारे और एम्पलीफायर से टेस्ट किया हूँ, तो अभी तो उतना सारा मैं यूज़ नहीं कर सकता, मतलब दिखा नहीं सकता। तो थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज में मैं दिखा देता हूँ कि मिनिमम किस कौन से एम्पलीफायर में मैंने टेस्ट किया है, आगे भी कौन कौन से मैं टेस्ट करूँगा वो मैं बताऊँगा आप लोगों को, एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा। तो अभी के लिए जो मैंने इसको टेस्ट किया है, उसको टेस्ट किया है TPA 3116D2 2.1 जो एम्पलीफायर आते हैं बेसिक वाले, मैं उसमें ट्राई किया हूँ। देखिए, IC अगर वही है तो उसका बोर्ड कैसा भी हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि उसके जो बोर्ड में जो कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं और उसकी IC में से जो ट्रैक लिया गया है स्पीकर आउटपुट के लिए, उस ट्रैक की क्वालिटी कैसी है। अगर ट्रैक की क्वालिटी बहुत थिन होगी, लाइंस बहुत थिन होंगे, तो वो उतना IC सेम होने के बावजूद भी उतना पावर कभी दे नहीं पाएगा। पर मैंने टेस्ट किया है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सॉरी, ये देखिए मैंने इस वाले एम्पलीफायर से, ये बहुत जाना पहचाना एम्पलीफायर है, सॉरी इसकी वायरिंग पे मत जाइए, थोड़ा मेस्ट अप टाइप का वायरिंग है। तो इस वाले मैंने इसकी वायर वगैरह सब अलग कर लिया है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सेटअप करना है इसको, एक फिक्स करना है, तो इसके साथ मैं ये एक अलग से चैनल का मैं एक ट्विटर कनेक्ट किया हूँ तो चैनल के लिए, ठीक है। तो और ये वाला जो सबवूफर जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो ये भी इसके साथ कनेक्ट करूँगा इसके साथ। तो एक और चीज़ इस वाले ऑफर में सब अच्छा है कि इसमें जो कनेक्टर है ये क्लिप टाइप के है, मतलब आपको सोल्डरिंग करने का उतना झंझट नहीं लेना है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसका वायरिंग कंप्लीट करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, सॉरी मुझे थोड़ा डाउन होकर दिखाना पड़ रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये मैंने सेटअप तैयार कर लिया है, ये मेरा सबवूफर है और ये मेरे सैटेलाइट वाले स्पीकर हैं, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अगर आप लोग को चाहिए, चलिए मैं इसको ऐसे सेटअप करता हूँ ताकि दिख जाए। देखिए ये दो चैनल का दो कनेक्ट है, एक चैनल ये चैनल दूसरा चैनल, और ये सबवूफर वाला कनेक्शन जो है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसका थोड़ा आप लोग थोड़ा प्लस माइनस ध्यान रखिएगा, ये माइनस का मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी इस एम्पलीफायर के लिए एक्चुअली फ्रेंड्स आप लोग को ज़रूरत होगी 24 वोल्ट 10 एम्पियर मैक्सिमम पावर आप इस पर हम दे सकते हैं। पर अगर वो आपका पावर सप्लाई जो है वो अगर रेगुलेटर उसमें लगा होगा, तो प्रीसेट होते हैं जिसमें वोल्टेज एडजस्ट होने की, तो ट्राई करिएगा उससे एडजस्ट करके इसको 21 वोल्ट पे सेट करने की, 21 पॉइंट समथिंग। तो मेरे पास अभी वो वाले SMPS अभी है नहीं, जो मेरा एक था मैं टेस्ट कर रहा था पहले, वो ख़राब हो चुका है। तो इसी वजह से मैं ये लैपटॉप वाले डेल का पावर सप्लाई यूज़ करूँगा, सॉरी सोनी का यूज़ करूँगा। तो इसका एक्चुअली आउटपुट है 95 वाट, तो इससे ये अभी टेस्टिंग के लिए चल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो हमारी सैटेलाइट का तो हमको उतना काम नहीं है, मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करके रखा हूँ। मैं एक सिंपल सा ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसी में रेगुलेटेड IC यूज़ कर लिया, तो डायरेक्ट मैं इसको यहाँ से पावर कर सकता हूँ। और इसे पावर करने के एक और ऑप्शन है, यहाँ पे एक स्कॉची डायोड होते हैं, ये वाले सेफ्टी वाले एक डायोड होते हैं, सॉरी ये वाले एक सेफ्टी डायोड होते हैं। ये सेफ्टी डायोड की वजह से क्या है, अगर आपका पोलरिटी रिवर्स हो जाए, प्लस माइनस ऑपोजिट हो जाए, तो ये बोर्ड ख़राब नहीं होंगे, ये भी ख़राब नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ से कनेक्शन किया है। अब यहाँ पे एक छोटा दो कैपेसिटर था यहाँ पे, तो मैंने वो दो कैपेसिटर छोटे छोटे थे, तो मैंने उसको चेस करके ये 4700 माइक्रोफैरड का मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि दोनों तरफ आप 4700 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट या उसके ऊपर लगाइए, उसके नीचे मत लगाइए, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ये कनेक्शन है, इसका DC का लीड है, तो DC का जो लीड है वो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अभी ये जो एडाप्टर है इसका, अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊँ, फोकस
देखिए ये 19.5 वोल्ट है, ठीक है। अब 19.5 वोल्ट पे ये है अप टू 4.7 एम्पीयर, तो अप्रॉक्सीमेटली 95 वोल्ट के आसपास आएगा। तो हम यहाँ पे इसके हैं पावर कॉर्ड को भी कनेक्ट कर देते हैं। पर इस एम्पलीफायर की एक बहुत गंदी आदत ये है कि जब भी आप इसका पावर ऑन करेंगे तो इसमें एक फट करके आवाज़ आता है, क्योंकि उसमें एक बहुत सारे एम्पलीफायर में हैं होते हैं कि वो सॉफ्ट मतलब पॉप अप नॉइज़ नहीं है, पर इस वाले एम्पलीफायर में पर्टिकुलर इस आईसी का ये प्रॉब्लम है कि इसमें पॉप अप वाले नॉइज़ आते हैं। तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। इसका एक ही ऑप्शन है कि अगर आप जो स्विच लगाएंगे, ठीक है, उस स्विच को आप पॉजिटिव को ऑन ऑफ ना करके आप उसका जो नेगेटिव वाला ऑप्शन है मतलब माइनस वाला ग्राउंड का ऑप्शन होता है उसको स्विच में कनेक्ट करिए, तो उससे ये पॉप अप वाले नॉइज़ हट जाते हैं। तो मैं जब सेटअप करूँगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसका एक प्रोसेस एक सेटअप के लिए मेरा स्पीकर बॉक्स रेडी है, तो उसका मैं एक डेमो आप लोगों को दे दूँगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और इसका इस वाले का साउंड टेस्ट आप लोगों को दिखाते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना कैमरा सीधा कर लूँगा मतलब और थोड़ा, ताकि आप लोग मुझे प्रॉपरली देख पाए। तो ये हो गए, ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसी का लीड जो है ये डायरेक्ट कनेक्ट है, दूसरा कोई फेक नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं फिर आप लोग बताते हैं। तो जैसे आप लोगों ने सुना फ्रेंड्स कि एक पॉपअप, ये देखिए पॉपअप का पहले एक नॉइज़ आया, उसके बाद ये ब्लूटूथ का नॉइज़ आया। तो मुझे NCS बजाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट आ जाएंगे। तो मैं पहले NCS ऑन कर लेता हूँ, इसमें से मैं ब्लूटूथ ऑन करके इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इन न्यूज़। तो अभी हम NCS प्ले करते हैं। बेस अच्छा है, इसका जो बेस है वो अच्छा है, इस एम्पलीफायर के साथ ये कॉम्पेटिबल है, अच्छा बज रहा है, कोई इशू हमको नहीं दिख रहा है इसमें। और ये प्रॉपरली इस आईसी का जो पावर है ये ऊपर अच्छे से हैंडल कर ले रहा है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका डेमो जो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ वो सुनने के लिए आप प्लीज़ हेडफोन का यूज़ करिएगा, नहीं तो आपको उसका ऑडियो का समझ नहीं आएगा। फिर भी मैं इसको सबवूफर को क्लोज़ करता हूँ स्पीकर के, ताकि थोड़ा सा बेस आप लोगों को भी सुना पाऊँ। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैंने इसका साउंड टेस्टिंग वीडियो दिखा दे दिया आप लोगों को। तो अभी हमको क्या करना होगा, कभी भी कोई भी स्पीकर का या ऊफर का किसी विदाउट एनी इनक्लोजर इसका साउंड टेस्ट कभी भी कितना भी हम कर ले, कहीं पे भी रख के कर ले, तो प्रॉपर उसका कभी समझ नहीं आते। तो इसके लिए मैंने एक कैबिनेट डिज़ाइन किया है, मैं उसका साइज़ का डायमेंशन आप लोगों को दे दूँगा। उसका एक मैं डेमो आप लोगों को दे देता हूँ कि उसका कैसा दिखने को होगा वो।
तो उसमें थोड़ा काम चल रहा है फ्रेंड्स, तो अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो पार्ट 3 में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम ये भी बताएंगे कि आप लोगों को कि उस इस वाले एम्पलीफायर को कैसे सेटअप किया जाता है। तो हम उसका एक्चुअली टावर टाइप के एक स्पीकर बनाने की सोच रहे हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट में बेस करके ये बना है, क्योंकि एक सिंगल में टावर सेटअप में हम इसको इसीलिए बना। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो करने में थोड़ा समय जाता है, आप लोगों को पता है, तो मैं डेमो आप लोगों को एक बार दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा ये वाले स्पीकर का, टावर स्पीकर का डेमो। रुकिए मैं थोड़ा सा मूव ऑन करता हूँ, मूव करता हूँ इसको। देखिए ये वाले इस वाले सेटअप में हम इसको सेटअप करेंगे, यहाँ पे इसके वॉल्यूम वाले कंट्रोल सब रहेंगे, ठीक है। सॉरी सर, मेरा फेस आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इसमें सैटेलाइट वाले स्पीकर जो ये छोटे वाले जो है, ये वाले स्पीकर यहाँ रहेंगे, और इसका जो ये ट्विटर वाला पोर्ट है हम इसमें कटिंग करके यहाँ पे लगाएंगे नीचे, ठीक है। और ये जो स्पीकर का, ये देखिए ये ऐसा होगा, इसका सबवूफर यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसका मैंने होल्स कनेक्ट कर लिए हैं। अब पीछे में ये वाले एयर पासिंग के लिए यहाँ पे रहेंगे, यहाँ से हम लोग इस वाले से पावर देंगे अगर, तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अगर हम इसको अभी टेस्टिंग के लिए मैं इसमें इसको यहाँ से पावर दूंगा, इन फ्यूचर इसको सेटअप कर दूंगा अंदर में पावर सप्लाई से डायरेक्ट, ताकि इसी से ऑन ऑफ हो पाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग का प्यार मिलेगा, तो आप लोग का प्यार मिलेगा तो और भी ऐसी वीडियो बनाने में अच्छी लगेगी। धन्यवाद एंड सभी को शुभ दीपावली।